आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, और इसको हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में जो है, जैसे हमने पहले टेस्ट किया लाइफ के था, इसको भी हम इसी तरीके से दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे और एक का हम नाम देंगे एक्टिव का और दूसरे को अपना लेंगे पैसे। चूंकि इस पोर्शन का आपके पैसे के अंदर बहुत ही अहम रोल है, इसके बगैर आप पैसे का टॉपिक बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकते हो, लिहाजा बहुत ही अहम आपकी तवज्जो चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो टॉपिक है पैसे और दूसरा ट्रांसलेशन, ये दोनों इंतहाई अहम तरीन टॉपिक्स हैं, ठीक है, और इसमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये वाला टॉपिक है आपका 25 मार्क्स का है और ये जो टॉपिक है आपका 15 मार्क्स का है, ठीक हो गया। अब इसको आपने गुजराई बात है, जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उसकी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के लिए वो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को जो है हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से कवर कर लें ताकि हमें पता चले कि हमने आगे चल रहे उनको किस पराए पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। और इस क्वेश्चन की वजह से जब ये क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप वो पेपर के अंदर जो है फेल कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसका पहचान क्या है, जो टॉपिक है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ आईएनजी को जो अप्लाई करते हैं और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। ये साथ साथ नोट भी करते चले जाए ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। पैसिव का आपको मालूम है कि इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। पहचान सिंपल सी है कि रहा रही या रहे, छोटे बच्चों के लिए होता है लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, तो हम इसको यहाँ पर याद दहानी के लिए जो है वो यहाँ पर जो है लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या इसकी पहचान क्या है। टेंस चूंकि एक है लिहाजा उसकी जो पहचान है वो भी एक ही जो है वो रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है और है जो है ये आपका प्रेजेंट पीरियड को है उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब हमने देखते हैं पॉइंट्स की शक्ल में कि किस किस तरह से हमें पता चलेगा कि इसके एक्टिव पोर्शन के अंदर कौन सी फॉर्म यूज होती है और पैसिव के अंदर जो है वो कौन सी फॉर्म यूज होती है। सबसे पहले ये चीज देखिए, फॉर्मूले में हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, और इसके साथ आईएनजी यानी कि जो कि इसको इनडायरेक्टली फोर्थ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, जबकि यहां पर आप आ जाए हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, शाबाश, ठीक हो गया जी। इसके साथ आईएनजी नहीं लगता, क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर टू, हमारे पास यहां पर देखिए कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स है, एक इज, एम और आर, ठीक है। यहां पर आप आ जाए पैसिव में, यहां पर भी हमारे पास वही फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, तीन ही है, इज, एम और आर, लेकिन इसके साथ एक इजाफी फेल बीइंग जो है वो लग जाएगा, तो ये नई हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ठीक हो गया, क्लियर। अब आपने सेंटेंस को नेगेटिव जब बनाना होगा, ये थर्ड पॉइंट है आपका, तो आप क्या करोगे, इनके साथ जो है सिंपल सी बात है कि इसके साथ भी नॉट लगा दोगे, एम के साथ भी नॉट लग जाएगा और आर जो है इसके साथ ही नॉट जो है वो लग जाएगा, ठीक है। ये तो आपका एक्टिव के पोर्शन के अंदर, एक्टिव पोर्शन क्या वो होता है कि जिसमें इंसान या कोई भी काम करने वाला जो है वो खुद उस काम को परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि जिसके अंदर सब्जेक्ट है वो खुद सारे टास्क को जो है वो खुद कंप्लीट कर रहा हो, और जिस चीज के ऊपर टास्क कंप्लीट करना मकसूद होता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस इनडायरेक्ट हो जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है
और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त लग जाती है कि अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल होगा तो वाय साथ लगेगा, जो कि ये वाला पोर्शन है, और अगर आपका सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपके साथ वाय लगाने की जरूरत जो है वो नहीं है। क्लियर हो गया कि अब जब आप इसको सही बेटा नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, यही हमारा पॉइंट नंबर 3 है जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल आ रहा है। ये देखिए कि इसके और बी के दरमियान में आपने क्या कर देना है, डॉट लगा देना है। इसी तरीके से एम और बी के दरमियान में आपने क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगा देना है। और अल्टीमेट बात है आर अगर होगा तो, और नेगेटिव होगा तो आर और बी के दरमियान में आपने क्या कर देना है, डॉट लगा देना है। इससे आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपने इसको बना रहे सवालिया, ये हमारा बेटा पॉइंट नंबर 4 है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सवालिया जुमला बनाओगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ड होगा वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा, आपके हेल्पिंग वर्ड जब फिक्रे के शुरू में आएगा तो आपका फॉर्मूला जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। जब ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा इसके बाद फिर सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान की अलामत आपने जरूर डालनी है। अगर आपकी अलामत नहीं डालोगे तो अल्टीमेट बात है कि आपका ये सवाल जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पैसिव के अंदर अब जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या है, इज, एम या आर में से कोई भी एक अलामत जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने ये हेल्पिंग वर्ब से वही चीज आगे सेंटेंस आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद आपकी चीजें जो है वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले था, अगेन हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है क्योंकि हमने इसका सवालिया जुमला बनाना है तो सवालिया जुमला बनाने के हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले ले लेंगे। ये कौन सा पोर्शन है हमारा पैसिव का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, क्लियर हो क्या। इसके बाद फिर हम कौन सी फॉर्म अप्लाई करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करते हैं, फिर आप बाय अप्लाई करोगे, फिर सब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान की अलामत जो है आप करोगे, ठीक है। ये है फॉर्मूला सवालिया जुमला बनाने का। अभी हम एग्जांपल्स के साथ जो है इसको भी जो है वो देखेंगे। अब इस चीज के पीछे नजर, जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे जिसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं, तो वहां पर हमने किस इस फॉर्मूले को तरतीब कैसे देना है, यही मुझे है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनको ये प्रॉपरली पता ही नहीं है, उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की होती है कि जी हमने इनको अप्लाई कैसे करना है, तो वो आगे आगा दौड़ और पीछा दौड़ होते हैं और टेंशन भी पड़ी होती है एग्जाम्स के दिनों में तो नतीजा क्या होता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से जगह का नहीं पता होता कि उन्हें फार्मूला कैसा किस तरीके से कहाँ पर किस वक्त जो है वो अप्लाई करना है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। उसका तरीकाकार ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, अगर आप एक्टिव का पोर्शन कर रहे हो और सब्जेक्ट पहले काम को परफॉर्म कर रहा है तो इसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लगा ले, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा ले, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को लगा ले और फिर सवालिया निशान को अलावा डाल दोगे। अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक आप चलोगे आपका सेंटेंस कभी भी गलत जो है वो नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप आ जाएंगे भी अपना पैसिव पोर्शन में, आपके पास हेल्पिंग वर्ब पहले है, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद आपने नॉट को अप्लाई कर लें, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई कर लें, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो आएगा। ये है बेटा वो तरीकेकार जिसकी वजह से आप सेंटेंसेस को प्रॉपर फॉर्म के अंदर जो है वो बना सकते हो, किसी भी तरह की कोई नाबाजिका मिस्टेक नहीं है ना ही हो सकती है। अगर आपने इस फॉर्मूले के सीक्वेंस के मुताबिक सेंटेंसेस को अप्लाई ना किया तो अल्टीमेट बात है कि सेंटेंस जो है वो आपके गलत बन जाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको जो है आप नोट कर लो, फिर हम इसकी जो है वो एग्जाम्पल वगैरह जो है वो करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें बेटा इसके अंदर जो है ना फोर इंपोर्टेंट बेस की शेप हो गया वही टॉप की शेप, जैसे यहां पर पैरेलल ग्राम आती है तो अब हम इसकी ना कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं और ये देखेंगे कि ना ये जो टेंस है ये किस तरीके से जो है प्रॉपर्ली अप्लाई जो है वो होने लगा होगा। मिसाल के तौर पर जो किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है, जैसे अगर आप फोन की बात करें तो फोन को अगर देखें
we are playing ठीक है ट्रायंगल की बात करें क्रिकेट ट्रायंगल को कैसे होते हैं तो ऐसी शेप्स क्योंकि ट्रायंगल को हम वॉल्यूम भी लेते हैं ठीक है अब इसके अंदर देखिए खेलने वाले कौन है वही है वही क्या है जिस सब्जेक्ट ठीक है आर क्या है जी आपकी हेल्पी वर्ब है प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आई एन ई के साथ आ जाएगा ठीक है क्योंकि इसको जो है वो फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ठीक है और क्रिकेट जो है ये बेटा आपका क्या है ऑब्जेक्ट है तो ये चीज देखिए और ये फॉर्मूला देखिए सेम हो गया क्योंकि जिसमें आप खुद ताल्लुक को फॉर्म करोगे वो एक्टिव का पोर्शन होगा और जिसमें आपसे परफॉर्मेंस ली जा रही होगी वो पैसा का पोर्शन होगा ठीक है अब आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो वो क्या होगी वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ठीक हो गया हेल्पिंग वर्ब में कितने बार तो हम इसको इंटरव्यू में लिखेंगे क्या है ये आर वी ठीक है नहीं तो आपने इसके बाद ये नॉट है फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है और क्रिकेट आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है ठीक है जब आप इसको लेकर आओगे इंट्रोगेटिव के अंदर ठीक है तो क्या होगा आपके हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा आपकी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी ठीक है फोर्थ फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट जब आप इसे नेगेटिव इंटरप्रिटेशन में लेके आओगे तो क्या होगा आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट और फिर साइड ऑफ इंटरप्रिटेशन ठीक है अब आप देखिए आर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है वी आपका सब्जेक्ट है नॉट नेगेटिव नॉट सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए इसके बाद ये आपकी क्या आ गई फोर्थ फॉर्म आ गई ठीक है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लग गया और ऑब्जेक्ट आ गया तो ये है ये तरीका आपका इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ये एफर्मेटिव ये आपका आ गया जी नेगेटिव ठीक है ये आपका आ गया जी इंट्रोगेटिव और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये चारों फॉर्मूले जो है वो सेंटेंसेस को बेटा बनाने के लिए जो है वो अप्लाई किए जाते हैं क्लियर हो गया अब आप आ जाओ जी पैसिव में यहां पर देखिए हमारा कंडीशन क्या है यहां पर सब्जेक्ट पहले है और यहां पर ऑब्जेक्ट पहले है ऐसे ही देखिए यहां पर हमें दो चीजें देखिए मिलती हैं एक ये है कि यहां पर मतलब बहुत ही कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी तो ये फोर्थ फॉर्म हो गई ठीक है जबकि यहाँ पर हमारे पास थर्ड फॉर्म है फिर यहाँ पर हमारे पास बाय नहीं है ठीक है यहाँ हमारे पास बाय है यहाँ हमारे पास और ऑब्जेक्ट था अब उसकी जगह पे क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया अब इसी चीज को हम जब सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमने इस चीज जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ ये समझाने की गरज से है ताकि आपको पता चल जाए कि पैसिव के अंदर सेंटेंस को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास क्या है क्रिकेट है क्रिकेट अब क्रिकेट इस ठीक है अब ये सिंगल है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ लगेगा कि बीइंग क्योंकि हमारे पास क्या है कि इस बीइंग है अकेला इस नहीं है इस बीइंग हमारे पास प्रॉपर पूरी हेल्पिंग वर्ब है ठीक है फॉर्म क्या आती है प्ले यहां पर आने की प्लेड ठीक है बाय अब हुई है तो ये बेटा आ जाएगा अस ठीक हो गया ये हम देखिए ऑब्जेक्ट है ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अच्छे तरीके से थर्ड फॉर्म है फिर बाय है और ये आपका इनडायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया ठीक हो गया जी ये आपका कौन सा पोर्शन आ गया पॉजिटिव अब आपने इसको नेगेटिव कर लिया तो क्या आएगा क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस ठीक हो गया क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट था अब इस बीइंग ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर समझे कि हेल्पिंग वर्ब है ठीक है फिर नॉट है फिर थर्ड फॉर्म है ठीक है और इसके बाद फिर बाय है और फिर सब्जेक्ट क्लियर हो गया जी इंट्रोगेटिव में देखिए आइडेंटिफाई इस जो है वो पहले आ जाएगा बीइंग अपनी जगह पर रहेगा इस क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय
अस आपने ये सारी इंटरवेंशन, ठीक है जी। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, प्लस बाय, और ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक हो गया। और इसी के से जब हम नेगेटिव बनाएंगे, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, और फिर ये साइन ऑफ इंटरोगेशन ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप हेल्पिंग वर्ब का यू ले लीजिए, ऑब्जेक्ट है ये नॉट आ जाएगा, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई हो जाएगी, फिर बाय लगेगा, और फिर सब्जेक्ट है, और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ठीक हो गया जी। यहाँ आपने ये चीज देखी कि एक्टिव के अंदर जब हम सेंटेंसेस को या फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो किन किन कंडीशंस में अप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से जब पैसिव के अंदर हम सेंटेंसेस को अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक तो उसको किस तरीके से जो है वो लेकर अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा ग्रामेटिकल सीक्वेंस जो है वो भी ना डिस्टर्ब हो और हमारा प्रॉपर सेंटेंस जो है वो भी बन जाए, ठीक है। इस वाले से कोई क्वेश्चन अगर माइंड में है तो पूछ सकते, क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लें, इसके बाद फिर इंशाल्लाह अगला जो है चलो, ठीक है।